गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप डीएड कर रहे हो, डीएलएड जो कर रहे हो मध्य प्रदेश के द्वारा, तो आपको ये जानकारी जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो फीस है कितनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, रूल बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है, सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ आपको। और आप अगर अदर स्टेट से हो तो आपको क्या होगा, कहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, कितनी कितनी सिटीज़ हैं कॉलेजेस के अंदर, सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है और आप मेरे वीडियो देख पाते हैं। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर और प्रारंभ करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना आर एस के जो है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, उसकी साइट को ओपन कर लेते हैं rsk.mpoonline.gov.in के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले से ओपन कर रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं अन्य जो जानकारी है इसकी आवश्यक सूचना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आवश्यक सूचना है, तो इसमें ये दिया हुआ है आपके सामने जो आवश्यक सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंस है, और वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड हियर पे जो रूल बुक है उसकी। मैं रूल बुक के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंस आपके लिए है और आपको फॉर्म में क्या क्या फिल करना है और किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता और आपके लिए कितनी शैक्षणिक अर्हता चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त है और मापदंड के अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेंडरी होना आवश्यक है मिनिमम, और स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है। अगर आप 50% से कम हैं तो आपका ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा और आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक और चीज़ बताऊँ, प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए उपयुक्त पात्रता 5% की छूट रहेगी, जो कि 45% तक रहेगा। उसके लिए मध्य प्रदेश का मूलवासी होना अनिवार्य है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी की आयु सीमा जो है 1 जुलाई को 17 वर्ष आयु होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अगर 1 जुलाई को 17 वर्ष से कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके लिए कम से कम 17 वर्ष का होना अनिवार्य है, जो कि NCTE के माध्यम से दिया गया है। और अगला पॉइंट है प्रवेश हेतु स्थानों की सीट उपलब्धता। इसके बारे में बता दूँ आपको, जो शंकावार रहती हैं, अगर कॉलेज में सीट है, अब 50 सीट हैं तो उसके हिसाब से आप देखा जाए तो आपका जो 40% रहता है गणित और जीव विज्ञान के लिए, और कला संकाय के लिए 20% रहता है, और शेष संकाय के लिए 10% ओनली कोटा रहता है। अगर आप जीव विज्ञान या गणित से हो तो आप 20% कोटे के अंदर अप्लाई होगे, और अगर आप आर्ट साइंस से हो तो आर्ट साइड से हो तो 20% अलग से रहेगा, और अगर सॉरी 40% रहेगा 20 सीट के लिए रहेगा। इसी प्रकार अगर अदर संकाय से तो 20% रहेगा, जिसका कि आपको 10 सीट में रहेगा। अगर 50 सीट का अगर कोई कॉलेज है, अगर 100 का है तो 40 40 20 के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसी के आधार पर आपका जो है काउंसलिंग में मेरिट बनने वाला है। तो ये तो था आपके लिए ये इम्पोर्टेंट और सेटिंग का इम्पोर्टेंस। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सीधा बैक और आपको दिखाते हैं कि आपके लिए जो फीस है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि फीस कितनी लगेगी, क्या रहेगी फीस, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम इधर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको नीचे दिखेगा शासकीय स्थानीय अध्यापकों से शुल्क विवरण कार्ड, ये तो डाउनलोड करें, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नया इंटरफेस है वो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको दिख रहा है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको दिख रहा है ये फीसेज हैं, जो कि अगर शासकीय अगर आप करते हो तो शासकीय के अंतर्गत अगर आप मध्य प्रदेश के मूलवासी तो ही शासकीय में अप्लाई कर पाओगे, पहली बात तो ये है। और अगर आप शासकीय में अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस रहेगी वो 9,000 रुपये टोटल रहेगी, जिसमें आपका खेलकूद का 500 रुपये, मूल्यांकन का 1,000 रुपये, साहित्य सांस्कृतिक शुल्क का 500 रुपये, विज्ञान मनोविज्ञान का 1,000, और वाचनालय एंट्रे 1,000 रुपये, संस्था पत्रिका के लिए 1,000 रुपये, विविध शैक्षणिक भ्रमण नवाचार 1,000 रुपये, संस्था विकास 3,000 रुपये, इन सभी के साथ आपका टोटल 9,000 रुपये आपको वार्षिक देना होगा, और आपका जो परीक्षा शुल्क होगा वो अतिरिक्त होगा। फ्रेंड्स, ये है शासकीय डीएलएड जो कॉलेजेस जो डाइट्स हैं उनके लिए है, और प्राइवेट्स के लिए जो क्या फीसेज हैं मैं आपको उसका भी बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ शासकीय और अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए क्या फीसेज हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे सामने, और आप क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया PDF ओपन होकर आ जाएगा, इस तरीके का PDF। इन सभी PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, आप पूरा देखिए और तरीके से समझिए। आपको सब A to Z में जानकारी बताने वाला हूँ, काउंसलिंग किस तरीके से होनी है, काउंसलिंग कैसे कर पाओगे, सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है आपके सामने, अगर आप DLED भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से स्थित महाविद्यालयों में प्रवेश छात्र हो तो, अगर आप वहाँ से प्रवेश लेते हो, इन सिटीज़ में प्रवेश लेते हो, आपका जो वार्षिक शुल्क रहेगा वो 35,000 रुपये पर ईयर रहेगा, जो कि शासन द्वारा निर्धारित है। बाकी जो है कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना शुल्क लेते हैं, ये शासकीय शुल्क निर्धारित है पहले से।
इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है उक्त शहरों के अतिरिक्त अन्य नगर निगम वाले मुख्यालयों के में स्थित महाविद्यालयों में प्रतिशत, इन्हें छोड़कर अन्य जो भी आपके मुख्यालय हैं जो नगर निगम है वहाँ पे आपका 32,500 रुपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष रहेगा। और शेष स्थानों के लिए जो भी शेष बचे हैं जो नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है या छोटा मोटा कस्बा है जहाँ पर कॉलेज है, उनका 30,000 रुपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष रहेगा। ये और ये तो है फीस का जो कलेक्शन, जो फीस आपको किस तरीके से लगनी है और डिपेंड ऑन कॉलेज, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो इससे कम भी ले सकता है ज़्यादा भी ले सकता है, वो आप बात कर लीजिएगा पहले। उसके बाद आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो महत्वपूर्ण सबसे वाला पॉइंट है वो है आपके लिए समय सारणी कि आपको कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और कब इसका काउंसलिंग होगा, सब मैं इसके माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो जो प्रवेश आपके प्रारंभ हुए 17 जून से प्रारंभ हुए हैं और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लें फटाफट से, और 30 जून इसका लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड का, और त्रुटि सुधार आप 17 जून से 30 जून के बीच में कर पाएंगे। प्रथम राउंड की संस्थावाद प्राथमिकता चयन जो आपका जो चयन है वो 17 जून से 30 जून के बीच में हो रहा है, चल रहा है अभी। और प्रथम राउंड के चयनित अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में हो जाएगा। प्रथम राउंड के प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यर्थी जिसमें फर्स्ट राउंड में आपका जो वेटिंग में होंगे उनका वेटिंग का 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच में आ जाएगा रिजल्ट। आने का फिर उसके बाद आपका कोई नई एडमिशन होगा, उसके बाद आपको सेकंड राउंड के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा और फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड में आपको दिख रहा है द्वितीय राउंड हेतु संस्था प्राथमिकता चयन एवं त्रुटि सुधार, द्वितीय राउंड में शायद हो सकता है पंजीयन ना हो क्योंकि इसमें नहीं दिखाया आपकी बात, तो पंजीयन पहले करके रखें नहीं तो आप बाद में पछताओगे, तो पंजीयन जरूर करके रखें अपने पास, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तभी आप अप्लाई कर पाओगे क्योंकि इसमें सीधा द्वितीय राउंड के लिए सीधा चॉइस फिलिंग के लिए बता रहा है और करेक्शन के लिए बता रहा है, यहाँ पर कोई पंजीयन नहीं दिखा रहा है। तो जो कि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में चलेंगे और द्वितीय राउंड के चयनित अभ्यर्थियों को संस्थावार प्रवेश होगा 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। द्वितीय राउंड की प्रतीक्षा सूची आपकी आ जाएगी 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आ जाएगी और उसके बाद आप एडमिशन ले पाओगे। और अगर आप यहाँ पर भी नहीं हो पाता है आपका, तो थर्ड राउंड में जो चयनित थर्ड राउंड जो आपका होगा वो आपका जो रहेगा 9 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में होगा और संस्था का चयनित 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में होगा और तृतीय राउंड की जो सूची है वो 27 से 31 अगस्त को जारी हो जाएगी। इसके बाद फिर कोई भी जारी नहीं होगी, हो सकता है वेटिंग की हो जाए लेकिन अगर सिटिंग बचती है तो, अदरवाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप अपना फॉर्म है उस तरीके से फिल कर लें और जल्दी से फिल कर लें, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। और कुछ भी करो या ना करो लेकिन रजिस्ट्रेशन 100% अभी कर लें अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है। और साथ ही मैं अदर स्टेट वालों को बताना चाहूँगा, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और आप अपने सिटिंग के लिए जल्दी से जल्दी कवर करें क्योंकि यहाँ ये मेरिट बेस्ड होता है, जिस कॉलेज में जो मेरिट के आधार पर एप्लीकेशन अगर आपका ऊपर पहुँच जाता है तो आपको एडमिशन मिलता है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं मिलता है और आप एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।